नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ दीपक गोंडलिया, तमारू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर जो है वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो वेक्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हमने थोड़े बहुत देखे थे, तो चलो आज वेक्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर चैप्टर के बारे में आपको पता है कि वेक्टर चैप्टर एग्जैक्टली है क्या, तो जो भी वेक्टर चैप्टर के बारे में पता है आपको इंडिकेशन कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया है। तो अभी जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, आप जो भी पढ़ने वाले हो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर है कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर के अंदर कम्यूटेटिव मतलब कि वेक्टर को आप ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वेक्टर के अंदर, द कम्यूटेटिव लॉ मैथमेटिकल इमेज, मतलब कि जैसे मैथ्स में 1+2 इज इक्वल टू 2+1 होता है, वैसे ही वेक्टर के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो देखो यहाँ पे एक वेक्टर दिया है पी प्लस क्यू, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्यू प्लस पी, सही है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वेक्टर के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो फ्रेंड्स सिंपल सी मैथड है, उसके लिए हम मैथड डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, चलो उसका वेरिफिकेशन एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं। तो आपको ट्रायंगल लॉ पता है, मतलब कि जो वेक्टर के लिए आपने एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ऑलरेडी आप जानते ही हो, तो ट्रायंगल लॉ का हम यूज़ करते हैं। पहले एक पी वेक्टर बनाया, पी वेक्टर के हेड पे क्यू वेक्टर का टेल लिखना है। देखो क्यू वेक्टर हमने यहाँ पर रख दिया, और फाइनलाइज वेक्टर कैसे मिलेगा, तो क्यू के हेड पे एक हेड बना दो, पीक पे टेल पे एक टेल बना दो, तो फाइनलाइज वेक्टर मिल गया पी प्लस क्यू। क्लियर, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू मिल गया। चलो अभी नेक्स्ट क्यू प्लस पी फाइन करते हैं। तो क्यू प्लस पी में क्या है, तो पहले क्यू वेक्टर डिफाइन करना है, तो क्यू वेक्टर बना लो। देन आफ्टर क्या करना है, पी वेक्टर लेना है, तो पी वेक्टर लेना, लेकिन पी वेक्टर को क्यू के हेड पे बनाना है। जो भी वेक्टर पी है उसको क्यू के हेड पे बना दिया, तो फाइनलाइज वेक्टर कहाँ पे मिलेगा अभी, तो P का जहाँ पे हेड है वहाँ पे हेड, और Q का जहाँ पे टेल है तो वहाँ पे टेल, तो फाइनलाइज वेक्टर मिल गया। तो आगे का डायग्राम देखो, ओके मिल गया, दोनों में सेम ही, P प्लस क्यू लिखो या Q प्लस पी लिखो कोई भी डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम हमको यहाँ पे आंसर मिला है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि जैसे भी आप लिख सकते हो, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, पी प्लस क्यू लिखो या क्यू प्लस पी लिखो। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर के उसका एसोसिएशन में कोई भी डिफरेंट नहीं, तो यहाँ पे देखो एसोसिएशन में क्या है, ए प्लस बी का एडिशन हुआ, देन आफ्टर जो आंसर मिल रहा है उसका एडिशन सी के साथ हुआ, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर आर को आपको डिफाइन करना है, तो पहले बी प्लस सी का एडिशन कर दो, पहले क्या करो बी प्लस सी का एडिशन करो, देन आफ्टर उसमें ए ऐड कर दो, तो भी वही आंसर मिलेगा। तो याद रखना कि आप पहले ए प्लस बी का ऐड करते हो, देन आफ्टर उसके अंदर सी ऐड करते हो, तो भी वही आंसर मिलेगा, और ए के अंदर बी प्लस सी पहले ऐड करते हो बाद में ए के अंदर ऐड करते हो, तो भी आंसर वही मिलेगा। चलो ग्राफिकली हम देखते हैं कौन सा लॉ यूज़ करना है, बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ। कौन सा लॉ यूज़ करना है, बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ। देखो पहले फर्स्ट ए वेक्टर बना दिया, देन आफ्टर बी वेक्टर ऐसे प्लेस किया, तो ट्रायंगल लॉ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस के फॉर्म में फाइनलाइज वेक्टर आ गया, ए प्लस बी आ गया, और कोई वेक्टर सी लेते हैं, देखो सी वेक्टर ऐसे लिया, तो सी वेक्टर और उसको ए प्लस बी के अंदर ऐड कर दो, तो फाइनलाइज वेक्टर जो है ए प्लस बी का, उसके टेल पे टेल और हेड पे हेड, तो देखो टेल पे टेल, रिजल्टेंट आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्लस बी एंड एंड एट द सी, है ना, स्टार्ट होता है ए प्लस बी से और एंड होता है कहाँ पे, एंड पॉइंट दिखाई दिया कहाँ पे एंड होता है, समझ में आया, तो देखो ये फाइनलाइज वेक्टर आर। चलो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट खत्म, राइट का पार्ट देखते हैं। तो राइट पार्ट ने क्या करना है, तो पहले कौन सा वेक्टर लेना है, बी वेक्टर, मैंने बताया क्योंकि एसोसिएटिव लॉ के अंदर पहले जो पार्ट ब्रैकेट के अंदर है उसको कंप्लीट करना। चलो बी बनाया, देन आफ्टर सी बनाया, बना दिया, चलो उसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, हो गया यहाँ पे बी प्लस सी, परफेक्ट। उसके अंदर एड कौन सा करना है, ए, तो चलो ए बनाया, एड किया यहाँ पे, क्योंकि जो जो डायरेक्शन ए की है वही डायरेक्शन रहनी है। तो अभी देखो आपका फाइनलाइज वेक्टर जो है उसमें हेड कौन सा है,
तो बी प्लस सी जो लास्ट में हेड किया, तो हेड में बी प्लस सी का हेड अप्लाई कर दो और ए का स्टार्टिंग पॉइंट। देखो आपको रिजल्ट एंड वेक्टर लिखना है तो आर स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड फ्रॉम बी प्लस सी, जो भी रिजल्ट एंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी प्लस सी। देखो आ गया एंड पॉइंट दोनों कहाँ पे, तो उसके वेक्टर बना दो। अभी कंपेयर करो दोनों डायग्राम, है कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्टली समझ में आ रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं, वेक्टर के अंदर एक लॉ है कम्यूटेटिव, दूसरा है एसोसिएटिव। चलो उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट में वेक्टर एडिशन ओबेज द डैश लॉ, वेक्टर का एडिशन कौन से लॉ यूज ओबे करता है, फर्स्ट कम्यूटेटिव, यस सही है, एसोसिएटिव सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी आपको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई वेक्टर का आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि ए वेक्टर को मैं सी और डी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज करता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो, सही है कि ऑल ऑफ द अबो सभी लॉस ओबे करता है, इट इज योर परफेक्ट आंसर। आगे रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर बहुत ही ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी के एग्जांपल होते ही है, इसलिए यहाँ पे खास ध्यान देना। तो व्हाट इज द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन क्या होता है, बेसिक से एग्जांपल देते हैं। मान लो कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपके साथ कोई बंदा ट्रेन के अंदर ही है, तो उस कंपेरिजन करते हो तो आपको सामने वाला बंदा क्या लग रहा है, स्टेडी, ओके। लेकिन आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और कोई बंदा बाहर खड़ा है तो आपको ऐसा लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे जा रहा है, वो पीछे जाता नहीं, वो स्टेडी है, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है वो पीछे जा रहा है, क्योंकि ट्रेन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रेन जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो आपको वो बंदा मोशन में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन। चलो रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी विथ रिगार्ड टू अनदर बॉडी, एक बॉडी की मोशन दूसरे बॉडी के रिगार्ड में होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि द मोशन ऑफ द बॉडी विथ रिगार्ड टू अनदर बॉडी, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो मोशन होती है इट इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव मोशन। चलो नेक्स्ट है द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड, यहाँ पे दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है उसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी। व्हेन द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, लेट द पोजिशन एंड द पार्टिकल ऑफ ए एंड बी आर एक्स ए एंड एक्स बी, मान लो कि दो पार्टिकल है, फर्स्ट पोजिशन है एक्स ए और दूसरे की पोजिशन है एक्स बी, और मोशन होती है ओरिजिन से और टी टाइम के अंदर उसकी मोशन आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। देखो एक पार्टिकल ए लिया, दूसरा पार्टिकल बी लिया, डायग्राम के अंदर आप समझ सकते हो, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स बी है, याद रखना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स बी है, और फर्स्ट ओरिजिन से एक्स ए का डिस्टेंस मेजर करते हो तो दैट इज एक्स ए, बी का डिस्टेंस मेजर करो तो दैट इज एक्स बी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि द पोजीशन ऑफ बी ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट ए, मतलब कि बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज एक्स बी ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज कॉल्ड एक्स बी ए। उसको कैसे लिखेंगे, तो पहले ओरिजिन से बी का डिस्टेंस मेजर करो, देन आफ्टर ओरिजिन से ए का डिस्टेंस मेजर करो, तो दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू दैट बी इज, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है दैट इज वी ए बी, मतलब कि ए बी के रिलेटिव में कुछ मोशन कराए तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो एक चीज समझोगे यहाँ पे, जिसको आप रिलेटिव में ले रहे हो मतलब कि ए की वेलोसिटी डिफाइन करो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बी के, तो बी के बी को पीछे लिखो और ए जो है उसको आगे लिखो, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी, आ रहा है समझ में, दैट इज द रिलेटिव पोजिशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट, सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू द ए, मतलब बी की वेलोसिटी डिफाइन करनी है किसके रिस्पेक्ट में, ए के, तो क्या होगा vb माइनस वी एस दैट इज वी बी ए, क्या होगा vb माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी ए। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि टू डिफरेंट वेक्टर हैं और टू डिफरेंट वेक्टर
असाइन किए हुए पर्टिकुलर एंगल पे, दोनों वेक्टर कुछ एंगल पे रहते हैं, तो अगर वेक्टर कुछ एंगल पे है तो उसको फाइनलाइज आंसर लिखना है, तो वी आर इज इक्वल टू वी बी ए, वी आर इज इक्वल टू वी बी ए और अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन कहाँ से आ, सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन है कि वी ए वी बी और वी ए दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आप फाइंड कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जब एडिशन था तो। आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर देख लो, एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको एडिशन का मैग्नीट्यूड डिफाइन किया है, सब्ट्रैक्शन का भी मैग्नीट्यूड डिफाइन किया है। अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा, दैट इज योर मैग्नीट्यूड फॉर टू बॉडी इन रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे कि व्हेन द टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सपोज मान लो कि टू डिफरेंट बॉडी है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करिए, द रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी इज थीटा इज इक्वल टू जीरो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक पे मोशन कर रही है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू आपको पता है वन, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा की जगह पे वन लिख दो, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी, तो दैट इज द होल स्क्वायर मेथड, तो आंसर आपका होगा वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी। व्हेन द टू बॉडीज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, टू डिफरेंट बॉडीज है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज एक ट्रेन आ रही है सामने से और दूसरी ट्रेन जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो थीटा होगा 180, थीटा कितना होगा 180, अगर थीटा 180 है तो कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, तो इन दैट केस क्या होगा, तो आपका जो फॉर्मेशन होएगा, तो देखो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि कॉस थीटा जो है माइनस वन लिखो, आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दैट मीन्स वी ए प्लस वी बी होल स्क्वायर, वी ए प्लस वी बी होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो वी ए प्लस वी बी, दैट इज योर आंसर। देन नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर है द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी रिगार्ड टू द अनदर बॉडी इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। चलो एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं, कंसिडर द टू कार ए एंड बी मूविंग पैरेलल टू वन अनदर, दोनों कार है एक दूसरे के पैरेलल में मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए कार इज वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी कार इज वी बी, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लिखने, तो वी ए बी, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। देखो फर्स्ट कार ए सेकेंड कार बी, ए बी के रिस्पेक्ट में मूव करे, ए बी के रिस्पेक्ट में मूव करे, तो क्या होगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। चलो अभी बी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज वी बी ए एंड वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। इफ द टू कार आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सपोज मान लो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो क्या होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो एक की वेलोसिटी आप प्लस ले लो, एक की वेलोसिटी आप प्लस ले लो, तो दूसरी की वेलोसिटी क्या होगी माइनस में, तो आंसर क्या होगा वी ए माइनस माइनस वी बी, दैट मीन्स वी ए प्लस वी बी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज एक ट्रेन सामने से आ रही है और दूसरी ट्रेन जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है, तो एक को आप पॉजिटिव कैलकुलेट करो, दूसरे को नेगेटिव कैलकुलेट करो, तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव डिफाइन करते हो, तो इन दैट केस क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है माइनस माइनस प्लस, तो वी ए प्लस वी बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अभी बी की वेलोसिटी वी बी ए फाइन करना है, तो वी बी ए फाइन करते तो क्या होगा, वी बी को प्लस ले लो, वी ए को माइनस ले लो, दोनों में होता तो वही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो वी बी प्लस वी ए, तो दोनों में सेम आंसर रहेगा। देखो ए कार यहाँ पे आ रही है, बी कार सामने से आ रही है, समझ में आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, जब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इफ टू कार्स आर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
सपोज मान लो कि टू डिफरेंट कार है, वो मूविंग परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो समझो कि दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा 90 का, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या मिलेगा वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए एंड दैट इज द आंसर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में है तो याद रखना वी ए माइनस वी बी, अपोजिट डायरेक्शन में तो वी ए प्लस वी बी, और परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर दैट इज योर आंसर। चलो इफ एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी थीटा, मान लो के टू डिफरेंट कार है थीटा एंगल पे मूव कर रही है तो क्या होगा, तो इन दैट केस आपका जो आंसर मिलेगा वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा, यानी कि कुछ एंगल है तो वहाँ पे एंगल के हिसाब से आपका जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला वही यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला है वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा, है ना। देखो यहाँ पे एक कार और दूसरी कार दोनों थीटा एंगल पे, तो आंसर आपका क्या मिलेगा वो यहाँ पे मिल गया। चलो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, तो आप अगर बात कर रहे हो रेन की तो रेन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। तो समझो यहाँ पे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी वी आर, मोस्टली आपको पता है कि रेन जो ऊपर से नीचे आ रही है, रेन जो है ऊपर से नीचे आ रही है, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो दैट इज वी आर, कितनी वेलोसिटी होगी वी आर। अ मैन इज वॉकिंग हॉरिजॉन्टली, कोई इंसान है कोई बंदा जो है वो रोड पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कुछ स्पीड है वी एम, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, मतलब के बारिश से बचने के लिए उसको कंपलसरी अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में वो रखेगा, तो इस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करना है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी कि जो भी बंदा मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में कुछ रेन की रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी, और वही रिलेटिव वेलोसिटी आपको किस डायरेक्शन के अंदर आपको अम्ब्रेला रखना है वो डिफाइन करती है। देखते हैं, सपोज इंसान इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी एम की स्पीड से, ऊपर से बारिश आ रही है वी आर की स्पीड से, तो यहाँ पे कंडीशन को आप सफिशेंटली लिखो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर विथ रिस्पेक्ट टू एम, तो समझ में आ गया, आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो तो बारिश आपको बैकवर्ड सामने की डायरेक्शन में फेस होती आएगी, तो वी एम के अपोजिट में वेलोसिटी जो मैन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी एम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ एंगल पे मिल रहा है। ओके, तो चाहिए क्या आपको वी आर माइनस वी एम, चाहिए क्या वी आर माइनस वी एम, और वो थीटा एंगल क्रिएट करेगा, तो वही थीटा एंगल पे आपको क्या मिलेगा जो डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कौन से डायरेक्शन में रखनी। सिंपल सा एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोज मान लो कि बारिश ऊपर से नीचे सीधी आ रही, आपने अम्ब्रेला जब खड़े हो स्टैंडिंग कंडीशन में तो सीधा रखा है, लेकिन जैसे वॉक करना स्टार्ट कर दिया तो बारिश आपके मुंह पे मतलब कुछ एंगल पे आ रही है, तो इस कंडीशन पे आपके जो भी क्लॉथ है वो भीग जाएंगे, तो अगर बारिश से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो अम्ब्रेला है उसको कुछ एंगल पे टर्न करना पड़ेगा, तो वो एंगल कितना है वो फाइंड करने के लिए हमने पीछे डायग्राम में देखा, तो बारिश नीचे आ रही तो उसका जो वेक्टर है हमने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया, इंसान आगे जा रहा है तो उसके बैकवर्ड के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि बारिश फेस होती है तो माइनस वी एम वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, दो वेक्टर कुछ एंगल पे है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो ऐसे मिलेगा, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो फाइनलाइज वेलोसिटी क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, और जो एंगल है थीटा फाइंड करने के अपोजिट डिवाइड बाई एडजेसेंट। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, बताया मैंने कि वी आर माइनस वी एम इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन होल स्क्वायर, क्लियर। एंगल फाइन करना है जो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाने के लिए आपके कंपोनेंट देखो, यहाँ पे देखो थीटा एंगल अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड वी एम है और एडजेसेंट वी आर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट तो वी एम डिवाइड बाई वी आर, तो एंगल विद द वर्टिकल लाइन दैट इज वी एम बाई वी आर। चलो एमसीक्यू देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिगार्ड टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड,
एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रिगार्ड में, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? रिलेटिव वेलोसिटी डी, परफेक्ट। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ट्रैवल टुवर्ड द ईस्ट, मतलब एक कार है, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और ट्रैवल कर रही है ईस्ट में विथ अ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब के 36 किलोमीटर की स्पीड से कार मोशन कर रही है। अनदर कार स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ट्रैवल टुवर्ड द नॉर्थ, एक ईस्ट में जा रही है एक नॉर्थ में, ईस्ट और नॉर्थ का एंगल है 90 डिग्री विद द स्पीड 24, कितनी है 24, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ देम रिस्पेक्ट टू अनदर, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइन करनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे है, दोनों 90 के एंगल पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार उसका होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार उसका होल स्क्वायर, दोनों का एडिशन और स्क्वायर रूट निकालो। देखो आंसर कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 36 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर, तो कॉमन क्या आएगा, 12 थ्री जा 36, 12 कॉमन, 12 टू जा 24, 12 कॉमन, तो 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, 13 का अंडर रूट, तो 12 रूट 13 आंसर आ गया। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोशन बोर्ड जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।